दौरे पर नहीं जाएंगे, खाली नरेंद्र मोदी को विदेश दौरा का है जी, महागठबंधन कर रहे हैं भैया, नेता है तो वो तय करे। 2024 की तैयारी चल रही है क्या प्रधानमंत्री भैया? हम तो मैं इतने जानता हूँ कि सही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथ के बगैर इस महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। आप कांग्रेस को भी अलग है, बीजेपी को अलग करके आप देश में बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो कांग्रेस को अलग करने की बात करता है वो बीजेपी की बीटी में, ये पप्पू यादव सीधा कहते हैं। इंसानियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब सुख बाजे तो बाजे, चलनी हो बाजे, जकरा 100 छेद वो हो कहे कि हम थोड़ा छेद, अपन छेद देखला न थोड़ा छेद, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकते हो, हमाम में सब नंगा, हड्डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या हो। अरे उल्लू लो, औकात है तो तू अपनी डिमांड करना कि मेरी जांच कर ले, जैसे पप्पू यादव चैलेंज करके दुनिया को कहता है मेरी जांच कर, है हिम्मत और औकात तो ईडी सीडी पप्पू यादव को सीबीआई की जांच करना। गिरिराज चुन रहे नफरत का, वक्त बताए, और कोसी सीमांचल से ही 2024 की मुक्ति और आजादी की लड़ाई हो, यह इंसानियत को पैगाम देता है। और जब तक पप्पू यादव जिंदा है इंसानियत जिंदा नहीं। जिसको कुछ आता नहीं हो, अपनी कोई औकात नहीं, बेगूसराय को त्रास नहस किया, नवादा को त्रास नहस कर दिया, 4 करोड़ रुपया उसके भेंट से मिला था, आज तक सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी हुई क्या? कहाँ से लाए थे? बाबू के घर से 4 करोड़ रुपया लाए थे? हैं सुशील मोदी जी, एक एक खून से ना बहन भी पैदा हुआ था आपका, तो बहन पर पूरा सृजन के पैसा लेने का आरोप, और आपने दिखा दिया बहन से कोई मतलब नहीं। तो सुशील जी आप कहिए ना सबको कि पूरी बीजेपी के जितने मंत्रिमंडल हैं उसकी नित्यानंद यादव मोटरसाइकिल चोरी से लेकर के सब केस है उस पर, होम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में मिश्रा, सब केस की चोरी, गिरिराज 420 का केस, 420 420 नगर निगम मंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम जल नल योजना से लेकर जयसवाल जी लालवीय यादव के फैक्ट्री बना शुरू किए थे, आप भी उसी राजद में न थे, चोर बजाए सो बांग्लादेशी ऐसी चीजों, ये यहाँ सीमांचल के गरीबी पर बात करने नहीं आ रहे, मिथिलांचल कोसी के बेरोजगारी पर, मक्का पर, मखान पे बात करने नहीं आ रहे, सीमांचल और कोसी मिथिलांचल के बाढ़ पर बात करने ये नहीं आ रहे, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर बात करने नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा दुनिया में बीमारी और पलायन सीमांचल और कोसी से है, इस पर ये बात नहीं करेंगे क्योंकि जहर ही नहीं बोया। सीमांचल और कोसी का पूरा हिस्सेदारी बीजेपी ने नहीं दिया, बाढ़ का जो अभिशाप है वो बीजेपी की देन। अमित शाह जी आप आ रहे हैं तो विशेष राज का दर्जा और बाढ़ के लिए विशेष पैकेज 1,00,000 करोड़ रुपया सीमांचल और कोसी के लिए आप लेके आइए, हमें पैकेज चाहिए ताकि हम यहां के जूट मिल की जिंदगी को बदल पाए, यहां के चीनी मिल के जिंदगी को बदल पाए,
चीनी मिल और पेपर मिल की जिंदगी को बदल पाए, फारिस बन गए हम जूट और गन्ना की मिल लगा पाए। कोई फरिश्ता तो आए जो फड़क्का को तोड़ के बिहार बचाने के लिए संकल्प ले। 33,000 33,000 छिल्टप बालू जमा है सिर्फ को गंगा में। कितना दिन में हम मरेंगे, छोड़ दीजिए कोसी। ये जो गाद है गाद, ये काफी है हमें मारने के लिए। बक्सर और पटना के बीच में आपसे थक गए नीतीश कुमार मांगते मांगते पैसा गंगा के गाद को निकालने के लिए। कभी भी पटना डिमोलिश कर जाएगा, आपने नहीं दिया। कोसी बैरेज और फरक्का को चौड़ाकरण या तोड़कर गंगा के गाद को निकालकर समुद्र में ले जाने के लिए आपसे 1,00,000 बार हम और बिहार सरकार ने मांगा, आपने नहीं दिया। आप तो मौत के सौदागर हैं इस कोसी सीमांचल के पब्लिक के लिए। जब आप हमारी जीने की जिंदगी ही छीन लिए, दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी सीमांचल कोसी, नाइजीरिया से भी ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा पलायन कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा किसान की जिंदगी समाप्त होगी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा टीबी कैंसर दम्मा आर्सेनिक पानी आयरन कोसी सीमांचल।